वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने दो दिवसीय दौरे के तहत आज रामपुर पहुंचे और उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्तार अब्बास नकवी चमरवा के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। उन्होंने वहां की व्यवस्थाएं देखी और डॉक्टर से बात की। उसके बाद नकवी ने अधिकारियों संग इस कोरोना महामारी पर चर्चा भी की। वहीं कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना वैक्सीन पर कहा, वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग भय और भ्रम का भोकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग सेहत और सलामती की दुश्मन है तो है ही, देश के भी दुश्मन है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के जो लोग भय भ्रम का भोकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन तो है ही, देश के भी दुश्मन है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है और ये वैक्सीन ही इस कोरोना के खात्मे की गारंटी है। आज देश में जिस वक्त कोरोना की लहर आई थी, उस समय हमारे पास जो है वो सुविधाएं संसाधन बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं था। ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी मांग हुई। हम जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो 900 मैट्रिक टन बनती थी, आज इस एक महीने के अंदर 9000 मैट्रिक टन बनने लगी। वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन ये बेड्स नहीं थे, ये सारी दिक्कतें थी और ये कोई एक साल की नहीं है, ये तो 70 सालों की ये समस्याएं और 70 सालों की नाकामियां थी। लेकिन समाज ने और सरकार ने मिलकर के कोरोना के इस लड़ाई में विजय हासिल करने के संकल्प के साथ काम किया और जिसका नतीजा है कि आज हम कोरोना के कहर से बाहर निकलने के आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं।